चंद्रयान 3 ने चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। भारत ऐसा करने वाला इकलौता देश बन गया। भारत की सफलता पर दुनिया भर में चर्चा है। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया भी भारत की इस सफलता को कवर करने में पीछे नहीं है। पाकिस्तान के सभी प्रमुख न्यूज चैनल्स और वेबसाइट्स ने इसे बड़ी शिद्दत से कवर किया। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार द डॉन ने चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर हेडिंग लिखी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यान उतारने वाला भारत पहला देश बन गया है। द डॉन ने लिखा, भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक क्राफ्ट उतारने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश और उसके कम बजट वाले अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक है। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग ऐसे समय में हुई जब उसी क्षेत्र में कुछ दिन पहले रूसी मून मिशन लूना 25 क्रैश हो गया था। भारत के चंद्रयान 3 को भी ये सफल सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 2 की विफलता के 4 साल बाद हुई। पाकिस्तान का एक और बड़ा अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग पर हेडिंग दी, चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है। वेबसाइट ने आगे लिखा, 23 अगस्त को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास क्राफ्ट उतारा। दक्षिणी ध्रुव पर क्राफ्ट उतारने वाला भारत पहला देश बन गया है। रूसी मून मिशन क्रैश होने के कुछ ही दिनों बाद चांद के अन्वेषण और एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने का भारत का ये दूसरा प्रयास था। भारत ने यह ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग रूसी मिशन लूना 25 के विफल होने के कुछ ही दिनों बाद की। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के दौरान भारत में लोग टेलीविजन स्क्रीन से चिपके रहे और प्रार्थना करते रहे। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट द न्यूज इंटरनेशनल ने इसरो की सफलता को लेकर हेडिंग दी, चांद की सतह पर चंद्रयान 3 ने की सफलतापूर्वक लैंडिंग, इसरो की नजर अब अंतरिक्ष में नई मंजिलों पर। वेबसाइट ने आगे लिखा, इसरो ने अपने चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करा दिया है। इसरो की सफलता से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट जियो टीवी ने चंद्रयान की सफल सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर हेडिंग दी, भारत के चंद्रयान 3 ने आखिरकार चांद पर लैंडिंग की। वेबसाइट ने आगे लिखा, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू हुई 40 दिन की यात्रा के बाद भारत का चंद्रयान 3 आखिरकार चांद की सतह पर पहुंच गया। भारत के इस मून मिशन का मुख्य लक्ष्य अंतरिक्ष एजेंसी की क्षमता का प्रदर्शन करना है। 2019 में भारत का मून मिशन चंद्रयान 2 के दौरान विक्रम लैंडर चांद की सतह पर क्रैश हो गया था। वहीं पाकिस्तानी आवाम भी भारत की सफलता को देख पाकिस्तान को कोसने में लगी हुई है। एक शख्स ने लिखा, इंडिया के चंद्रयान मिशन और पाकिस्तान की महंगाई ने आज इकट्ठे चांद पर लैंडिंग की है। तो वहीं एक शख्स ने लिखा, पाकिस्तान में आप यह चर्चा सुनेंगे कि धरती गोल है या चपटी, और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। प्रौद्योगिकी के इतिहास में हम कहीं भी नहीं है, भारत को बधाई। खैर, पाकिस्तान का तो कुछ नहीं होने वाला, मगर भारत की सफलता पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।